मेरा एक्सपेक्टेशन है कि बहुत अच्छी तरह से ये सक्सेसफुल हो। अमित शाह जी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी का मिशन मेवाड़। अब बात करेंगे अमित शाह के उदयपुर के दौरे की, जो आज होने वाला है तकरीबन दोपहर के 12:30 बजे गांधी ग्राउंड स्थित सभा स्थल पर पहुंचने का कार्यक्रम है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक जनसभा को भी गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। सभा के बाद अमित शाह होटल हार्वर्ड जॉनसन पहुंचेंगे। होटल में 2:30 बजे जनजातीय समाज के विशिष्ट जनों से गृह मंत्री अमित शाह संवाद करेंगे। इसके बाद 4 बजे के बाद शाह एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और इसके बाद तकरीबन 4:30 बजे शाम के वक्त दिल्ली के लिए गृह मंत्री अमित शाह प्रस्थान करेंगे। तो उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उदयपुर दौरा, और इसी से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बताते चले। शहर में बीजेपी नेताओं ने भव्य सजावट की है। अमित शाह के कार कैट के रूट में जगह जगह पर स्वागत द्वार भी लगा दिए गए हैं। अमित शाह के भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। मंच पर अंतिम तैयारियों को रूप दिया जा रहा है। अमित शाह के कार्यक्रम को भव्य बनाने की पुरजोर कोशिशें बीजेपी की ओर से, और बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने की भी कोशिशें की गई हैं। पीले चावल बांटकर लोगों को आमंत्रित किया गया और लगातार दावा कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है कि जब यहां पर अमित शाह पहुंचेंगे तो नजारा कुछ और ही होगा। पूरा का पूरा जो सभा स्थल है वो खचाखच भरा हुआ नजर आएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम वहां पर। कुछ ही समय में यहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। मंच से ये तस्वीरें जरा आप भी देखें। चुनावी बिगुल फूंकने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर आने वाले हैं। दोपहर 12 बजे अमित शाह का उदयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। उससे पहले आप देखें कि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये वो मंच है जहां पर भव्य सजावट इस समय की जा रही है, और अमित शाह जो है इसी मंच से उदयपुर लोकसभा की जनता को संबोधित करने वाले हैं। और ये जनसभा केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में की जा रही है, जिसमें आप देखिए कि टैगलाइन भी लिखी गई है कि मोदी सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के समर्थन में ये जो जनसभा है इसका आयोजन यहां पर किया जा रहा है। आप देखिए कि महिला मोर्चा के जो पदाधिकारी है उनके यहां पर पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सुबह से ही ये जो महिला मोर्चा की जो टीम है वो यहां पर पहुंच चुकी है। उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है, महिलाओं में उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। और हम बात करें कितना उत्साह है इसको लेके। जी बिल्कुल, आज गृह मंत्री जी आ रहे हैं देश के अमित शाह, तो बहुत उत्साह है। अभी भीड़ से पूरा उदयपुर जो है वो भरने वाला है, और कह रहे हैं कि चुनाव की जो यहाँ से घोषणा होने वाली है तो बिल्कुल अब इसी का इंतजार कर रहे हैं और अमित शाह जी का वेट कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, ये महिला मोर्चा के सभी जो पदाधिकारी वो मानते हैं कि चुनावी बिगुल अमित शाह इस धरती से बजाने वाले हैं। दूसरी ओर आप देखिए कि धीरे धीरे जो सभा स्थल पर लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। अगर हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो आप देखिए कि पूरी तरह से सज-धज कर एक यूनिफॉर्म एक तरह की बना दी गई हो, एक केसरिया साफा पहना हुआ है, सफेद जब्बा पजामा में यहां पर जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आ रहे हैं। कितना उत्साह है अमित शाह के दौरे को लेकर? पूरे उदयपुर में काफी उत्साह है, पूरा उदयपुर भगवामय हो चुका है। बिल्कुल, देखिए भव्य सजावट पूरे शहर में की गई है। सजावट के मार्फत अमित शाह का स्वागत किया जा रहा है, जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए हैं, और धीरे धीरे जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। हालांकि अभी अमित शाह के पहुंचने में समय है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि लोगों की जो संख्या है अब धीरे धीरे यहां पर बढ़ने लगी है। और ये माना जा रहा है कि ये जो पूरा पांडाल है इसे 11 बजे से पहले भरने की कोशिश की जाएगी। हालांकि 12 बजे तक अमित शाह के यहाँ पर आने का कार्यक्रम है। आप बताइए किस तरह की तैयारियां हैं अमित शाह के इस दौरे को लेकर? जब से यहाँ पे प्रस्तावित हुआ है उनका दौरा, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं में पूरे उदयपुर संभाग में बहुत जोश है। लगभग यहाँ पर 40,000 से 45,000 कार्यकर्ताओं के यहाँ पर आने का वो है, और अभी कुछ ही पल के अंदर ये पूरा पांडाल यहाँ पे भर जाएगा। और लोगों के अंदर इतना जोश और खरोश है कि हर आदमी अमित शाह जी को यहाँ पर देखना चाहता है। हम सभी कार्यकर्ता पिछले 3 दिन से यहाँ पर उनके आगमन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी से आह्वान करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो भी अभी आपका चैनल देखे वो ज्यादा से ज्यादा इस संख्या में यहाँ पर पधारे। बिल्कुल, देखिए तो पूरी तैयारियां हैं अमित शाह के दौरे को लेकर, और इंतजार किया जा रहा है कि अमित शाह अब यहाँ पर आए।
और इस जनसभा को संबोधित करें। कैमरा पर्सन दिलीप गुजर के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। तो अमित शाह का उदयपुर का दौरा और दौरे को लेकर भव्य तैयारियां, वहां पर ताजा तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई लगातार। वहां से सहयोगी कपिल हमारे साथ बने भी हुए हैं, जो पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, वहां से तस्वीरें ग्राउंड हमें दिखा रहे हैं। कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, तकरीबन 11:30 बजे का वक्त हो चला है, 12:30 बजे यहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं, 1 घंटे का लगभग वक्त बचा है, जरा तस्वीरें दिखाइए वहां से और कितना उत्साह वहां पर लोगों में। हाँ बिल्कुल, देखिए जो लोगों का जुटना है वो शुरू हो चुका है। महिला मोर्चा के जो पदाधिकारी थी वे सुबह से यहाँ पर जमा हो रहे थे, लेकिन आप दूसरी ओर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कि जो दूसरी ओर जो बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पर अब भीड़ जुट रही है, लोगों की संख्या जो है वो बढ़ने लगी। और आप पांडाल में जो माना जा रहा है कि थोड़े ही समय में जो लोगों की जो भीड़ है वो काफी तादाद में पहुंचने वाली, तो इस समय आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग जो है आगे की जो रो है वो लगभग भरने लगी है। लोग रंग बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा पहनते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं और तैयारियां जो है पूरी है। किस तरह से इंतजार किया जा रहा है? निश्चित रूप से जो समय दिया था उस लोगों की भीड़ आनी शुरू हो गई है। ये अधिकतर हमारे बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं और हमने निश्चित रूप सूचीबद्ध सबको कर रखा है, और आने वाले समय में जैसे हमें सूचना प्राप्त हो रही सभी गाड़ी अपने स्थान पर पार्किंग पहुंच चुकी है, और रेले का रेला बीच में अपार कार्यकर्ताओं के साथ आ रहा है, और निश्चित रूप से पूरा पांडाल खचाखच बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित जी साहब सुनने के लिए लोग बहुत उत्साहित थे। जब हम नीचे मीटिंग तक गए तब लोगों ने कहा निश्चित रूप से हम आएंगे और आने वाले समय में आपको इसका दृश्य देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मंच की भी अगर हम बात करें तो मंच पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह मौजूद रहेंगे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रहेगी, और इस समय आप देखिए मंच पर जो है वो दिया कुमारी मौजूद हैं, अब नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद है। तो वरिष्ठ नेता जो है प्रदेश के उन्होंने मंच की कमान संभाली हुई है, पूरी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, और जो कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं लगातार वे भाजपा के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि सभी के हाथ में अमित शाह और कमल के फूल के जो निशान हैं वो दिए गए हैं, ताकि एक भव्य रूप जब अमित शाह यहाँ पर आए तो पांडाल में देखने को मिले। जो कुर्सियां हैं वो तो हम देख पा रहे हैं कि भरी हुई है खचाखच, लेकिन पीछे अगर हम जरा नजर डालें, जैसा कि आप तस्वीरें दिखा रहे थे, कुछ कुर्सियां खाली भी नजर आ रही हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि जब गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे तो खचाखच पूरी की पूरी कुर्सियां और पूरा जो सभा स्थल है वो भरा हुआ नजर आएगा, लेकिन क्या अभी आपको लग रहा है कपिल, अगर वहां पर देखें जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा, क्योंकि कई सारी ऐसी कुर्सियां हैं जो अभी भी खाली हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी भी जो है वो पांडाल में लोगों के बैठने की जगह बाकी, कई कुर्सियां खाली है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर आने थे उनके वाहन पार्किंग स्थल तक पहुंच चुके हैं, और क्योंकि अभी अमित शाह के यहाँ आने में तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का समय बाकी है, तब तक पार्किंग से जो लोग यहाँ पहुंचने वो पहुंच जाएंगे। और बीजेपी के नेताओं का यह दावा है कि वे पूरी तरह से ये जो पांडाल है खचाखच भर जाएगा यहाँ पर। आप देखिए जोश जो है वो बीजेपी नेताओं पहुंचेंगे, और जब अमित शाह पहुंचेंगे तो नजारा कुछ और ही निकल कर सामने आएगा, और एक खास संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है कपिल आज अमित शाह के दौरे से, क्योंकि जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता है वो एक मंच पर पहुंचेंगे, जो जिन्हें एंटी विरोधी भी कहा जाता था, अलग अलग पार्टी गुटबाजी के नाम से जाना जाता था, वो एक साथ एक मंच पर आएंगे, तो कहीं ना कहीं साफ ये संदेश देने की कोशिश कि यहां पर एकता है, एकजुटता है। हाँ बिल्कुल, देखिए एकजुटता का संदेश भी यहाँ से दिया जाएगा, क्योंकि मंच पर जो जिस तरह की गुटबाजी की बातें भाजपा में की जाती है, तो मंच पर सभी जो गुटे भाजपा के मंच पर नजर आएंगे, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो या फिर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हो, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो, सतीश पुनिया हो, सभी जो बड़े नेता हैं एक साथ मंच पर नजर आते हुए ये संदेश देंगे कि किसी भी स्तर पर भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं, और सभी मिलकर एक साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। और इसी संदेश को लेकर जो है वो अमित शाह जब यहाँ से बोलेंगे तो केंद्र सरकार ने 9 साल में जिस तरह के काम किए वो बताने की भी यहाँ पर कोशिश की जाएगी, कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 9 वर्ष में गरीब के कल्याण के लिए, किसानों के लिए, और मुख्य रूप से क्योंकि वो मेवाड़ में आ रहे हैं तो ऐसे में
ये आदिवासी बाहुल्य इलाका है, ऐसे में आदिवासियों के लिए भाजपा ने क्या कार्य किए हैं ये भी अमित शाह जो है मन से बताने की कोशिश कर सकते हैं। आप देखिए ना सिर्फ इस सभा में बल्कि सभा योजनाएं उनका तो बखान यहाँ पर अमित शाह करेंगे ही, साथ ही साथ निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार को घेरने की भी कोशिश की जाएगी। उत्साह वहां पर हम देख पा रहे हैं कपिल, अगर जरा बात कर पाए महिला कार्यकर्ता आपके बगल में नजर आ रही हैं, उनसे जरा पूछिए कि कितनी उत्साहित हैं वो सभी। बिल्कुल, महिला कार्यकर्ताओं से हम बात करेंगे, कितना उत्साह महिलाओं में है आप बताइए, कितना उत्साहित है अमित शाह के दौरे को लेकर। अमित शाह जी के दौरे को लेकर के सभी उत्साहित हैं, घर घर महिलाएं निकल रही हैं, बारिश की वजह से थोड़ी रास्ते में ठहर गई है, अभी थोड़ी सी देर में बहुत पंडाल भर जाएगा। अमित शाह जी के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा करके महिलाएं बैठी हैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वो गृह मंत्री खुद बन के बैठा है, कुशासन चला रहा है, महिला और महिलाओं की कुर्सियाँ खाली है, लेकिन क्या माना जाए घंटे भर में पूरी खचाखच। आप यकीन नहीं करेंगे इतनी संख्या में अभी महिलाएं भी आएगी पुरुष भी आएंगे, कारण क्या रहता है कि अभी बारिश भी हो रही है, वो जगह जगह आप हर समय देखते हैं कि प्रशासन सारा राजस्थान सरकार का और वो दूर दूर तक गाड़ियां रोक देते हैं, तो कार्यकर्ताओं को आने में भी बहुत परेशानी हो रही है, हमारे को फोन आ रहे हैं बहुत दूर दूर तक। तैयारियां हैं अमित शाह जी के दौरे को लेकर? निश्चित तौर पर तैयारियां जोर शोर से हैं, और जहां तक बात है अमित शाह जी के आने की, अमित शाह और मोदी जी दो और पूरा भाजपा में कुछ ऐसे व्यक्तित्व है जिनको देखने के लिए निश्चित तौर पर हम सभी लालायित रहते हैं, और आज वो साक्षात हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित होंगे तो उत्साह ही नहीं, अभी तो सभी जनमानस जो है अति उत्साहित है और निश्चित तौर पर हम अमित शाह जी को सुनकर के जाएंगे। बिल्कुल, देखिए भाजपा का चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को, एक छवि पाने के लिए जो भाजपा कार्यकर्ता जो नेता है वो काफी उत्साहित है। अब देखिए महिला मोर्चा की किस तरह की तैयारी है? महिला मोर्चा जो अभी हमारे जनसभा का आयोजन होने जा रहा है, इससे पूर्व चार दिन पहले से महिला मोर्चा ने कमल मेहंदी का अभियान शुरू किया था, जो अपने हाथों पर कमल मेहंदी बना करके स्थानीय महिलाओं को जागरूक किया कि इस जनसभा में आने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद महिला मोर्चा ने